लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद और बसपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शिषपाल और मंगलौर विधायक शरबत करीम अंसारी ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ लक्सर में किसान, मजदूर, दुकानदार एवं आपदा पीड़ित गर्जना धरना प्रदर्शन यात्रा निकाली। गर्जना यात्रा ट्रक यूनियन से हरिद्वार रोड मोहल्ला, गोवर्धनपुर रोड मोहल्ला व रायसी रोड होते हुए लक्सर तहसील मुख्यालय तक पहुंची। इस मौके पर दोनों विधायकों और प्रदेश के अध्यक्षों ने कहा कि आपदा को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर नहीं है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि आपदा के मसले पर सरकार पीड़ितों को ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर मुआवजा दे रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर गूंगी बहरी सरकार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिनके घरों में पानी भरा है उन्हें न्यूनतम मुआवजा 5,000 व 15 दिन की दैनिक मजदूरी 5,900 रुपए मिलाकर कुल 11,900 रुपए दिए जाने चाहिए। किसानों की पूरी तरह से फसलें नष्ट हो गई हैं। माननीय विधायक भाई सहजाद के, ये एक ऐसा एक टेलर था, भाई सहजाद जी का एक टेलर था, और आपने सभी की समस्या को, किसानों की, मजदूरों की, पटरी वालों की, ठेली वालों की, वो विधानसभा के अंदर उठाई है और बहुत दमदारी से उठाई है, चाहे वो बेलडा प्रकरण हो। भाई सहजाद जी ने जिस तरीके से ये मुद्दा उठाया है और आज यहाँ आपके सामने रखा है, इसी तरीके से ये सभी किसानों की समस्याएं हैं। बाढ़ किसी भी क्षेत्र में आई हो हरिद्वार के, हम ये कहना चाहते हैं कि या तो सरकार मान जाए, नहीं तो इसी तरह का प्रदर्शन हर तहसील पर, हर कलेक्ट्रेट पर होगा। माननीय विधायक जी हैं लक्सर के सहजाद जी, उन्होंने एक मुझे ज्ञापन दिया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जिसमें मुआवजे को लेकर कुछ मांगे रखी हुई है, आपदा को लेकर कुछ मांगे रखी हुई है, और मेरे माध्यम से वो शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा उचित माध्यम से। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।